अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तो यार 5 घंटे लॉस एंजलिस का पूरा शहर और कम पैसे, तो सीन्स कुछ मुश्किल हैं पर इम्पॉसिबल तो नहीं। यार लॉस एंजलिस का ट्रिप है, अकेले करने में तो मज़ा आएगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो इस ट्रिप में जो है वो हमें कैसर ज्वाइन करेगा। कैसर जो है वो कराची से है और यू ग्रेट कैंडिडेट है मेरी तरह। वो बेकरफील्ड में प्लेस हुआ है और मैं जो हूँ वो सैन डिएगो में प्लेस हुआ हूँ। तो जो यूनियन स्टेशन है वो हम दोनों को सेंट्रल पॉइंट पड़ता था। तो यार कैसर ने पकड़ी बस और ये पहुँचा बेकरफील्ड से यूनियन स्टेशन तकरीबन 3 घंटे के अंदर। और दूसरी तरफ मैं सैन डिएगो से निकला ट्रेन पर और मैं पहुंचा 4 घंटे में यूनियन स्टेशन। तो हमने कहा बजाय इसके कि हम कहीं और मिलें, यूनियन स्टेशन इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन। और हम जो है वो यूनियन स्टेशन पे मिलते हैं और उसके बाद आगे की जर्नी जो है वो हम साथ कवर करेंगे। देखो हम हैं पाकिस्तानी और हमारे यहाँ पे कोई चीज़ टाइम पे तो होती नहीं है। तो कैसर जो है वो लेट हो गया, मजाक कर रहा हूँ यार, मैं जल्दी पहुँच गया था। तो अब मेरे पास कुछ था नहीं करने का, तो मैंने उतनी देर बैठ फिर मछलियाँ देखी क्योंकि पानी इम्पोर्टेंट है बॉस। यार ये देख सकते हो बस बड़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी महंगी पड़ी है हमें। क्यों कैसे? मतलब एक रुपये पूरे पूरे $0। हाँ $0 की बस पड़ी है, ठीक है। और ये होटल लेके जाए यार, मानो या ना मानो वाइब तो है बॉस एले की। हाँ जी भाई, बस से उतर गए हम अब और अब हम जा रहे हैं, 1 घंटे की वॉक है होटल की, मसला नहीं है कोई। वही बात यह है कि अगर USA में किसी जगह पे सफ़र करना है ना, तो टांगों का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है बॉस। भाई अब फील आ रही है लॉस एंजलिस की, खवारी तो नहीं हुई ना? बस कर यार ये तो फिर होता है इस तरह के कामों में। देखो यार, यूनियन स्टेशन से उतरने के बाद डायरेक्ट हम पहुँच गए डाउनटाउन, और डाउनटाउन की जो दीवारें हैं ना भाई, तो मैं क्या बताऊँ, इतनी क्यूल है ना, क्यूल। एक होता है कूल और एक होता है क्यूल। तो वहाँ जाके कुछ हैवी किस्म की क्लिक्स लिए, ठीक है। तो कैसर हमारा जो है वो फोटोग्राफी में जो है वो क्या ही बात। तो यार पहले दिन का घूमना फिरना होता है ख़त्म, और अब 3 चीज़ें ज़रूरी थी, रात का खाना, सस्ता होटल और सेफ होटल, और इनमें से किसी एक चीज़ पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना था। तो ऑफकोर्स हमने खाने को मिस कराया। हाँ भाई, आज के दिन का आगाज़ होता है, हम जाने लगे हैं, कल थोड़ा सा खवार हुए थे, तो आज हम हॉलीवुड जाने लगे हैं क्योंकि LA की जान है हॉलीवुड। और एक है फर्नडेल कैनियन, वो भी बड़ा प्यारा है। आ गई कैसर, आ गई गाड़ी। मुझे जो है वो थोड़ी नेचुरल जगह पसंद है और कैसर को जो है वो हॉलीवुड जाना था। तो बजाय इसके कि हम वाटरफॉल जाते, हमने एक ही जगह के ऊपर नेचुरल जगह भी ढूंढ ली और हॉलीवुड भी वहाँ से करीब था। तो नेचुरल जगह के लिए हम गए फर्नडेल, और एक आर्टिफिशियल किस्म का फॉरेस्ट था। तो इसके सीन चेक करो। देखो यार, वक्त कम था और मुकाबला सख्त और सफ़र चल रहा था बहुत स्लो। तो फिर हमने डिसाइड किया कि यार बीच में से हम कुछ जगह स्किप करते हैं और शॉर्टकट लेके हम जाते हैं। भाई वो वहाँ पे कुछ लग रहा है मुझे, अच्छा सा ये वही है ना? तो मी एंड कैसर आर गोइंग अपसाइड, इससे ज़्यादा इंग्लिश मुझे नहीं आती, गुजारा करो। भाई ये है व्यू टॉप का, देख सकते हो, मज़े का है। थोड़ी सी हाइक ज़्यादा है, कितने मिनट की हाइक थी यार? लगे हमें 1.5 घंटे से, 1.5 घंटा लग गया,
ठीक है। लेकिन ऊपर आने के बाद जब ये देखा है ना, ये देख के दिल खुश हो। ये देख सकते हो टॉप का व्यू है। ये ग्रिफिथ, ये क्या है, कैसर ग्रिफिथ, ये ग्रिफिथ है ठीक है। और ये टॉप का व्यू है। और ये मैं पानी पीने लगाऊँ, हाइक बड़ी सख्त है यार, पर करनी पड़ती है ठीक है, क्योंकि सारे पैसे इसी के हैं। सो हेयर इज द ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी, और ये लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 1935 में ये ओपन हुई थी। इसके दो फायदे हैं, एक तो यहाँ पे सेलेस्टियल और एक्सप्लोरेशन का काम होता है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि यहाँ से हॉलीवुड की फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं। तो यार एलए का सफ़र होता है यहाँ पे ख़त्म। बड़ा अच्छा सफ़र रहा, और फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में।